फाइनली मैम के साथ काम करने का, तो फाइनली जो गरबा सॉन्ग बनाया गया है तो भी एक्साइटेड है आपके सॉन्ग जी। कोई भी आर्टिस्ट को एक इच्छा होती है कि एनी आर्टिस्ट वुड थिंक कि मैं हमेशा कुछ नया करूं, कुछ क्रिएटिव करूं। ओके ये बात फाल्गुनी जी ऑलरेडी जानती हैं कि 1997 में हमारा पहला साल का था कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था स्कूल में, एंड हम तीन भाई बहन मेज अगर निवृत्ति हम पीछे भीड़ में गरबा खेल रहे थे वहाँ पर उनकी नवरात्रि में। एंड तभी कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इनके नज़दीक जा के कुछ बात करने का भी कभी मौका मिलेगा। सो जर्नी जो रही है वो 97 की, वो पीछे बीइंग थ्री डांसर्स डांसिंग इन द नवरात्रि 10,000 में से, डूइंग एन एल्बम, एक वीडियो एल्बम उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ काम करना, डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा सपना था जो पूरा हुआ है। एंड यू नो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट डेढ़ महीने से इनके साथ हम टाइम बिता रहे हैं, तो इट इज़ नॉट कि खाली वीडियो में साथ टाइम बिता रहे हैं, लेकिन उनसे पर्सनली बैठ के इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं कि जो बड़े कलाकार होते हैं आप उनके साथ जब टाइम बिताते हो तो आप भी जब एक कला करो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है उनके बाद, जो एथिक्स होते हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म होता है, ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी है, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि मुझे खाली एक वीडियो नहीं लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला है एज एन आर्टिस्ट उनके साथ टाइम स्पेंड करके। 100% से भी ज़्यादा बोलूँगा मैं, 100 तो बोलने जा रहा था, आई थिंक उससे भी ज़्यादा, बाजू में बैठा है इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। बट ये बात मैं स्ट्रेस करके, अभी आपने देखा होगा मैं बोल चुका हूँ कि सिंगिंग के बारे में तो सभी बात करते हैं लेकिन शूटिंग के टाइम पे बहुत चैलेंजेस आते हैं, और वो चैलेंजेस में उनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दो दिन उन्होंने इतना पेशेंस से हमारा सपोर्ट किया है। आपको पता है डांस वीडियो है, रीटेक्स होते हैं, लाइट्स होती है, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू स्पेंड। उनका पहला वेंचर है ना, पहला वेंचर है वो दोनों का, उतना दिल से वो लोग काम कर रहे हैं अपने, तो चलो पहले वीडियोज आ गए काफ़ी, तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं करो, इतना अच्छा काम वो लोग करने जा रहे हैं, पहली बार इतने गुजराती प्योर गुजराती गरबा का वीडियो होने जा रहा है। पहले मेरा इंदिरा मिनवा जो हुआ था लेकिन उसमें लिरिक्स वगैरह हिंदी में थे, वो पहला गुजराती प्योर, तो मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँ। जी, और कितनी प्लानिंग की थी आपने इसके लिए, मतलब क्या कैसे दिमाग में आया कि मुझे गरबा के लिए करना है? हम जब भी बैठते हैं मी एंड जिगर, जब भी हम यू नो गरबा के बारे में कुछ भी डिस्कशन करते हैं तो हमारा एक ही एम रहा है कि अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे फोक डांसेस जो हैं, जैसे भंगड़ा बहुत पॉपुलर फोक डांस है जब हम सबको पसंद है, राजस्थानी सॉन्ग्स भी आजकल आप देखोगे बॉलीवुड के सपोर्ट से कितना हिट हो रहे हैं। हमारा एक ही एम था दोनों का कि अभी गरबा को अगर हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कि ये फोक डांस को एक अलग लेवल पे लेके जाना है दुनिया में, कि लोग इसके बारे में बातें करें कि यार ये डांस मुझे भी सीखना है, ये गाना भी मुझे सीखना है और नाचना भी मुझे सीखना है, तो उसके लिए क्या करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो यंगर जनरेशन है, आजकल के जो 8 साल के बच्चे हैं, यू नो उनको स्ट्रेट अवे एक्सपोजर मिलता है वेस्टर्न गानों का। हम फिर से रिपीट करते हैं, हम वेस्टर्न डांस के अगेंस्ट नहीं है लेकिन उनको स्ट्रेट एक्सपोजर मिलता है वेस्टर्न कल्चर का। उनको अगर हम आज ध्यान नहीं रखेंगे और एक ऐसा कमर्शियल गाना नहीं बनाएंगे कि जिसमें उनको मज़ा भी आए, खाली ऑथेंटिसिटी डांस का सवाल नहीं आता है बट एंटरटेनमेंट, उनको मज़ा भी आए, तो जब हम ये उनको पेश नहीं करेंगे तो वो गरबा की तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे और उनको पता कैसे चलेगा कि सही गरबा क्या है। तो ये सारे एम्स हमारे थे कि एक मैसेज जाए दुनिया में हर एक जनरेशन को कि रियल गरबा क्या होता है, एंड हमने कोशिश की है हमारे तरफ से कुछ अच्छा करने की। आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सटेंड ऑन दैट कि ये गुजराती गाना है बट ना ही सिर्फ गुजराती या ना ही सिर्फ गुजरात वाले, बट एंटायर नेशन इज गोइंग टू लव दिस सॉन्ग और सभी लोगों को ये पसंद आने वाला है, एंड वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। मैं एक्चुअली दो दिन पहले मैं बात कर रहा था इनके साथ, मेमोरीज जैसे सूरत ने बताया, इट इज़ ऑन द सेम लाइंस दैट जो हमारी जर्नी रही है, मैं उनको वही बता रहा था कि हमको 22 साल लगे यहाँ बैठने के लिए, एंड हमको एक एक साल हमको पता है हमने कैसे बिताए हैं एक एक स्टेप नज़दीक आने के लिए। बट यस, हमारे लिए जैसे सूरत ने बताया वही सेम पॉइंट्स है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे फर्स्ट टाइम, हम लोग परफॉर्म भी कर रहे थे, परफॉर्मेंस देने के लिए हाई एनर्जी लेवल्स होने ज़रूरी है, मगर शूटिंग में आपको सबको पता है कि कुछ ना कुछ बहुत सारे कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी भी कुछ उतार चढ़ाव आए तो वहाँ पे सबसे बड़ा नाम इस फाल्गुनी पाठक, तो वी आर कंसर्न कि उनको कुछ तकलीफ हो रही है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। बट आई वुड से टू आर सरप्राइज हमको वो एरिया पे हमको ध्यान देना ही नहीं पड़ा, उन्होंने इतने आसानी से हमको ये सब चीज़ों को उन्होंने
फ्लो में करते गए, तो दैट इज आई थिंक द बेस्ट मेमोरी फॉर अस ओवरऑल. एक एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट लोग, बट जेन्यूनली शेयर करना चाहूँगा. जो हुआ था सेट्स पे कि हम दोनों एक पर्टिकुलर शॉट दे रहे थे एंड एंड ऑफ द डे हुआ था, थोड़े पैर एग्जॉस्ट हो गए थे. उसमें शॉट में ऐसा था कि फाल्गुनी पाठक भी खड़ी है शॉट में और वो हमको एडमायर कर रही है, यू नो अपलोड कर रही है. तो काफ़ी रीटेक्स थोड़े हो गए क्योंकि जैसे तो मैंने बोला कि बहुत डिफिकल्ट शॉट था वो, यू नो. सो थोड़े ज़्यादा रीटेक होने के बाद जेन्यूनली हमको ये टेंशन थोड़ा आ गया था कि यार हमारी वजह से कंटिन्यूसली उनको और हाड़ा जी को खड़ा रहना पड़ रहा है. एंड वी फेल्ट बैड कि हमको लगा कि यार आज ये नहीं हो रहा है टेक. हमने डायरेक्टर को बोला कि हमारी वजह से अभी इनका बहुत टाइम जा रहा है खड़े खड़े, तो लेट्स डू इट टुमारो. एंड हमने बोला कि नहीं आगे करना है. एंड मैं जाके खड़ा था एंड मैं बहुत स्ट्रेस था. एंड शी केम नेक्स्ट टू मी एंड शी इज टेलिंग मी कि अरे क्या हो गया यार, इतना टेंशन में क्यों हुआ यार, तुम्हारा पहला एल्बम है, यू शुड बी एक्साइटेड. मैं बोला सॉरी मैडम, ये टेक की वजह से आपको बहुत खड़ा रहना पड़ गया. एंड शी इज लाइक, मैं कल भी तो आ रही हूँ ना, मैंने बोला है ना मैं कल आने वाली हूँ, तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हो यार, कल फ्रेश होकर आना और फिर से अच्छा टेक दे देना, मैं हूँ ना इधर ही, तो इतना क्या स्ट्रेस ले रहे हो. सो वेन एन आर्टिस्ट टेल्स यू दिस, वेन समबडी वेरी बिग जिसके बारे में आप स्ट्रेस्ड हो कि इनको बुरा ना लग जाए, जब ये आपको बोलते हैं ना, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी टू परफॉर्म ऑन द सेट. सो दैट इज अ वंडरफुल इंसिडेंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर. एक किस्सा मैं भी शेयर करना चाहूँगी. मेरी और जिगर की बेटी भी एल्बम में है, तो जब भी फाल्गुनी मैम सेट पे आई तो माय डॉटर वाज वेरी एक्साइटेड, मम्मा फाल्गुनी मैम, एंड इवन ऑल द स्टूडेंट्स वेर वेरी एक्साइटेड फाल्गुनी मैम सेट पे आई है. तो शी वाज लाइक कि मम्मा मुझे मिलवाओ प्लीज़ फाल्गुनी मैम से. तो मैं मिलवाने लेके गई एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड कि मैम मुझे आपके गरबा पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. एंड देन फाल्गुनी मैम टोल्ड ओनली वन सेंटेंस दैट आप पाक्कू जिगरनी छोकरी छे. Our entire family is Falguni crazy and Garba crazy. So I remember, always remember her sentence, kya pakku jigar ni chokri che. मैं की बहुत बड़ी फैन हूँ. मतलब हम लोग जब भी स्टेज पे गाते हैं तो हम लोग जब भी एवरी ईयर नया नया गाना गुजराती इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पहले स्टेज पे गा के जब लोग देखते हैं कि इनका ग्रुप कैसे खेल रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है ना, वो लोग का स्टेप्स देखे, मतलब हम लोग को वसूल लगता है कि हाँ चलो भाई नया गाना लिया, अच्छा हो गया, दे आर एंजॉइंग द सॉन्ग. थैंक यू सो मच. चैलेंज क्या चीज़ है, मतलब दोनों का अपना मज़ा है. मतलब आई एन्जॉय सिंगिंग बोथ. मतलब जब भी अपने मैंने करियर की शुरुआत की बचपन से, तभी मैं बॉलीवुड के गाना ही गाती थी. फिर 1987-88 से मैंने गरबा में गाना शुरू किया, तो दोनों का अपना मज़ा है. आज भी मैं बॉलीवुड के गाने भी गाती हूँ और डांडिया गरबा भी उतने ही प्यार से गाती हूँ. So I have two questions. एक तो ये video release date कब है, and second, would you be open to doing more songs with them जहाँ पर dance ज़्यादा हो? That's good without saying. Goes without saying. गरबा के गाने तो जितने आएंगे pure उतना I'll be more happy. Particularly with Sony Brothers जो आपका relation रहा है सालों में. अगर सोनी, मुझे पता है कि सोनी ब्रदर्स अगर गाना बनाएंगे तो वो गरबा ही होगा. और कुछ होगा ही नहीं, और कुछ आता ही नहीं हमको, और कुछ आता ही नहीं है. 8 सितंबर, इट इज 8 सितंबर, 8 सितंबर संडे द रिलीज डेट. एंड आपने प्रोमो में भी देखा होगा जो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा अभी, तो उसमें भी वी हैव मेंशनड द डेट एंड वेयर इट इज गोइंग टू बी रिलीज, तो भी हमने मेंशन किया है वहां पे. सो द ऑडियंस हैज द एग्जैक्ट प्लेस एंड द डेट. फाल्गुनी पाठक YouTube पेज. क्या नाम है मैंने नहीं सुना. मैंने नहीं सुना. मैंने कसम से मैंने नहीं सुना है. थैंक यू सो मच. तैयारी तो ऐसा था कि बचपन का सपना था, तो सोचा तो था कि कभी ना कभी ऐसा करेंगे, और करने का मौका मिल गया SSGD की वजह से. एंड प्रिपरेशन तो ऐसा है कि मेरे लिए एक टाइम चैलेंज था कि पेस्टल कलर्स को लेके मुझे एक ट्रेडिशनल ड्रेस बनाना था. सो
भगवान को याद करके जो भी मेरी कलाकारी है वो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके ट्रेडिशनल पैचेस जो हमारे भरवाड़ी के एरिया है उसमें भी पेस्टल्स डाल के एक अच्छा कॉस्ट्यूम बनाने का कोशिश किया है। बट हमने हमारा जो ट्रेडिशनल टच है जो चनिया चोली होता है और उसमें जो ज्वेलरीज रहते हैं लोगों के लिए जो बॉयज़ के लिए जो भरवाड़ी जैकेट्स है भरवाड़ी के एरिया है वो सब ही यूज़ करके पेस्टल्स को थोड़ा टच दे के एक ब्यूटीफुल आउटफिट तैयार करने की कोशिश की है। और आप अभी वीडियो देखेंगे जब भी आई होप आप लोग को वो पसंद आए एंड आई हैव ट्राइड टू गिव माई बेस्ट। जब आपको पता चला फाल्गुनी जी के साथ काम करने वाले तो क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन तो ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज वाव, इट वॉज़ अ ड्रीम कमिंग ट्रू। एंड दूसरा था कि एक वीडियो फाल्गुनी मैम के साथ आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। तो इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज टू मेक द डांसर्स लुक एंड द मेन लीड्स लुक ऑसम एंड ब्यूटिफुल बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट सम हाउ विथ गॉड्स ग्रेस आई थिंक आई हैव मैनेज टू डू दैट एंड द रिजल्ट विल बी सून आउट, सो आई होप यू ऑल लाइक इट। ऑन बिहाफ ऑफ द SSGD टीम एंड फाल्गुनी पाठक जी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ राजमहल बैंक्वेट्स का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल है एंड दे हैव सपोर्टेड अस अ लॉट एज वेन्यू पार्टनर्स फॉर दिस अमेजिंग एल्बम राधा ने श्याम जो आ रहा है। एंड ये इतना खूबसूरत बैंक्वेट हॉल है, इसमें मैं पहले भी आ चुका हूँ कुछ पार्टियोज़ में एंड मुझे इतना पसंद है इसका एम्बियंस एंड द सर्विस एंड द फूड यहाँ का। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो भी आज किया है सब कुछ ही अमेजिंग था। सो थैंक यू वंस अगेन राजमहल बैंक्वेट्स।